हमारे साथ मौजूद हैं बीड़ से महायुति की उम्मीदवार पंकजा मुंडे। पंकजा जी, बीते 5 साल आप बड़ी ही लो प्रोफाइल रहीं, 2019 से और महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर आपको संगठन में एक राष्ट्रीय स्तर पर पद दिया गया था। अब आपको केंद्रीय राजनीति में भी एक तरह से जो है लोकसभा का टिकट देकर भेजा जा रहा है, तो यह आपकी अपनी मर्जी से हो रहा है या फिर आपने पार्टी ने जो तय किया है उसके सामने आपने उसको स्वीकार कर लिया? देखिए, आज तक राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का एक संस्कार है और उस संस्कार में पार्टी फाइनली जो भी है पार्टी तय करती है। क्योंकि मेरी बहन 10 साल से यहाँ सांसद रही और उनका काम बहुत अच्छा था और मैं एक मतलब लीडर हूँ महाराष्ट्र की, मासेस में ज़्यादा काम करती हूँ, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी, क्योंकि कोई भी राजनेता जब राजनीतिक प्रवास करता है उसका अंतिम ध्येय संसद में जाना और वहाँ राष्ट्रीय राजनीति में जाना होता ही है, पर मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि मैंने इसको चाहकर मांगा है, पर पार्टी ने जो दिया इमीडिएटली मैंने स्वीकार किया। लेकिन आपकी खुद की मर्जी इतनी जल्दी जाने की नहीं थी? देखिए, मर्जी तो मैंने कहा कि मेरा, मुझे नहीं लगा मैं उतनी सीनियर हूँ अभी कि वहाँ खुद से जाऊँ, तो इसलिए मैं मेरी बहन प्रीतम को संसद के तौर पर 10 साल वहाँ रखा। उनके लिए भी मैं काम करती थी, वो मेरे लिए करती थी, क्योंकि हमारा जो व्याप्ति है, जो वोट बैंक है या लोगों के साथ जो संबंध है उसको मेंटेन करने के लिए दोनों को उतना ही काम करना पड़ता है।